भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे महंगी और सबसे बिग बजट की फिल्म 2.0 का पहला टीजर कल रिलीज हुआ था और टीजर रिलीज होने के साथ ही इस फिल्म के टीजर ने ही कई बड़े इतिहास कायम कर लिए हैं। आपको बताते चले 2.0 के टीजर को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया है, साथ ही फिल्म का बड़ी बेसब्री से लोग भी इंतजार कर रहे हैं। फिल्म 2.0 को इसी साल नवंबर के महीने में रिलीज किया जाना है। दर्शकों की फिल्म के प्रति एक्साइटमेंट काफी हद तक बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर अगर फिल्म से जुड़े कलाकारों की तरफ आ जाए तो कलाकारों ने इस फिल्म में काफी अपनी अहम भूमिका निभाई है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 2.0 में एमी जैक्सन, अक्षय कुमार, रजनीकांत ने अपनी बेहतरीन भूमिका निभाई है। इसी के साथ ही आज हम आपको इस वीडियो में इन सभी कलाकारों की स्टार कास्ट सैलरी बताने वाले हैं। 2.0 में काम करने के लिए इन सभी सितारों ने कितनी फीस चार्ज ली है, इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले एमी जैक्सन की बात करते हैं। एमी जैक्सन ने बॉलीवुड की बहुत ही कम फिल्मों में काम किया है। इसी के साथ ही फिल्म 2.0 में काम करने के लिए एमी जैक्सन को करीब 5 करोड़ के आसपास सैलरी दी जा रही है, यानी 5 करोड़ चार्ज कर रही है वो इस फिल्म में काम करने के लिए। दूसरे नंबर पे आते हैं अक्षय कुमार। जी हां, अक्षय कुमार को इस फिल्म के लिए करीब 25 करोड़ के आसपास सैलरी दी जा रही है। ऐसे देखा जाए अक्षय कुमार का इस फिल्म में काफी अहम रोल है और वो इस फिल्म में विलन के किरदार में निभाने वाले हैं, जिसे दर्शक भी देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड चल रहे हैं। और अक्षय कुमार ने इस फिल्म में काम करने के लिए करीब 25 करोड़ रुपए लिए हैं। अक्षय कुमार के बाद अगर बात करें तो रजनीकांत को इस फिल्म में काम करने के लिए एक भारी भरकम रकम दी जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रजनीकांत को इस फिल्म में काम करने के लिए 60 करोड़ के आसपास फीस दी जा रही है। हालांकि वो इस फिल्म के पहले सीक्वल में भी नजर आ चुके हैं और उन्होंने इस फिल्म में काफी बेहतरीन भूमिका निभाई थी और फिल्म के दूसरे पार्ट यानी 2.0 में भी वो काफी बेहतरीन अंदाज में दिखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये थे आपके सामने फिल्म 2.0 के स्टार कास्ट सैलरी। फिल्म का निर्देशन किया है एस शंकर ने और फिल्म को 29 नवंबर को रिलीज किया जाना है। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है और फिल्म को लेकर कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें बताना ना भूले कमेंट सेक्शन के जरिए।